ज्ञान विषय में और इस पाठ में हमने गति बल घर्षण और कई तरह की बातें पढ़ी और आपने विज्ञान को अच्छे से समझा। आज आप यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की वस्तुएं देख रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे टेबल पर देखिए सब लोग, सब इस टेबल पर देखिए, अलग अलग तरह की वस्तुएं हम लोग देख रहे हैं कि आपको इन वस्तुओं को देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब मैंने क्यों रखा है। क्या है ये? मशीन है। अब हमने यहाँ पर एक चम्मच भी रखा है ना? अब आप चम्मच को क्या एक मशीन कहेंगे हैं? अच्छा, अभी आपने कहा नो कि चम्मच एक मशीन है कि नहीं है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा उदाहरण या छोटा सा एक प्रयोग करके देखते हैं कि देखिए क्या होता है। किरण यहाँ आओ, यहाँ बेटा, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यह एक पेंट का डब्बा है, दिख रहा है ना? यह एक पेंट का डब्बा है और कई बार ये पेंट का डब्बा बहुत कसके बंद हो जाता है, जैसे टिन का डब्बा है। अब आप इसको धीरे से खोलने की कोशिश करो, धीरे से, बहुत बल लगाना पड़ रहा है तब भी ये खुल नहीं रहा है ठीक से। अगर मुझे इसे कम बल लगा के, मतलब ये कोशिश करनी है खोलने की, तो मैं क्या करूंगी? हाँ, अब आप इसको इस्तेमाल करिए और खोल के देखिए, पीछे पीछे के हिस्से से। हाँ, पकड़ो डब्बे को। हाँ, करिए करिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए, बल लगाइए, बल लगाइए। हाँ, देखिए चम्मच का बल लगाने से ये डब्बा खुल गया। अच्छा, रखो। और अब आपने देखा कि ये चम्मच जो एक साधारण खाने का चम्मच था, इसने कितने कम समय में, कितने कम समय में इस डब्बे को खोल दिया। तो इस तरह से हमने चम्मच का उपयोग अपने कार्य को आसानी से करने के लिए किया, किया कि नहीं? हाँ हाँ। एक और मैं आपको बताती हूँ, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर मतलब जो पेप्सी की बॉटल्स होती हैं, सील्ड होती हैं, उनको हम लोग सॉस की बॉटल्स को अगर अपने नाखूनों से खोलेंगे तो नाखूनों में चोट लगने का डर रहता है। तो हमने यह एक उपकरण या एक ऐसी चीज रखी है, इसको, इस चीज को हम फंसाते हैं और ऐसे करके तुरंत वो कम बल में, कम प्रेशर लगता है और आसानी से, सुविधा से खुल जाता है। इसी तरह से आप हमें और भी चीजें, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखिए, ये रोटी पकाने का चम्मच कह सकते हो, बर्फ उठाने का चिमटा कह सकते हो, और भी कोई वस्तु जैसे गर्म है, अंगारा है, अंगीठी जलाते हो तो कोयला उठा सकते हो। तो इसमें क्या सुविधा से उठा हा? और इसमें वो चीज फंस जाती है। हमने इस तरह से इसको आसानी से उठा लिया। तो यह भी एक सुविधाजनक आसान तरीका है किसी भी वस्तु को उठाने का, ठीक है ना? हाँ। और कुछ दिखाई दे रहा है? जब हमें कोई कपड़ा काटना होता है तो हम लोग कैंची से काटते हैं, और कैंची से एक ही बार में आप बहुत सारा कपड़ा अच्छे से काट सकती हैं। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे। हाँ, अब देखिए ये क्या है? स्क्रू है, है ना? अब इसको जब मुझे अंदर डालना है ना, और कील, उसको भी अंदर डालना है, लेकिन जब कील को हम हथौड़े से और स्क्रू को पेचकस से अंदर डाल, तो अब आप लोगों ने जब इतनी सारी चीजें देख ली, ये सब समझ लिया, तो आप मुझे बताइए कि हम मशीन किस चीज को कहते हैं? ये सारी चीजों को हम मशीन कहते हैं। हाँ, ये सारी चीजों को तो मशीन कहते हैं, लेकिन अगर हम मशीन की परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे? वह कौन सा उपकरण है जो मशीन कहलाएगी? नहीं, सिलाई मशीन नहीं, मतलब परिभाषा, जैसे उसको हम लोग कुछ लिखना चाहें मशीन के बाद, सरल मशीन। देखिए, ऐसे साधन, ऐसे उपकरण जो कार्य को
सरलता, सुविधा और तेजी से। देखिए कितना तेजी से ये चम्मच ढक्कन को खोल गया, और हम ऐसे हाथ लगाते रहेंगे ये ठीक से नहीं खुलेगा और हाथ में चोट भी लग जाएगी, है ना। कितनी जल्दी हम बॉटल ओपनर से बॉटल खोल देते हैं, कितनी जल्दी हम पेचकस से पेच खोल भी सकते हैं, कस भी सकते हैं। तो आपने ये जाना कि ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीनें कहलाते हैं। सब लोग इसको लिख सकते हैं, सरल मशीनें, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा तेजी से करने में सहायक सरल मशीन कहलाते हैं। समझ में आ गया? और कोई उदाहरण बताइए सरल मशीन का, जो कि आप लोग, हाँ, कभी कुएं से पानी निकाला है गांव में, देखा है? अगर आप रस्सी में बाल्टी को बांध के और सीधा कुएं में डालेंगी और उसको खींचेंगी तो ज्यादा बल लगाना पड़ता है, और अगर घिरनी में, घिरनी मतलब वो पुली जो पहिया होता है उसके ऊपर लगा हुआ, उसमें फंसा लेंगे और फिर जब हम खींचेंगे तो वो आसानी से। अच्छा, अब आप इस चित्र में देखिए सरल मशीन। अब सरल मशीन तो सबको समझ में आ गया कि क्या होती है ना, लेकिन सरल मशीनें कई प्रकार की होती हैं। अच्छा, जो मशीन, अब जैसे ये चम्मच है, इसने डब्बे को खोलने का काम किया। अगर मैं कहूं कि आप चम्मच से बर्फ को यूं करके पकड़ो तो वो काम ये नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि इससे कुछ और काम लो तो ये जो काम कर सकता है ये वही काम करेगा। तो हर तरह की मशीन अलग अलग तरह का काम करती है। उन कामों को, उनके कार्यों को देखते हुए हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, या हम ये बता सकते हैं कि मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। अब आप इस चित्र में देखिए सरल मशीनें, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? चिमटा, चिमटा है ये वाला चिमटा। उसके बाद कैंची, ये सिजर, कैंची, और इसके बाद बॉटल ओपनर, ये सॉस की बॉटल इनसे खोल रही हूं, ठीक है। ये एक तरह की, तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, और ये तीनों एक तरह की मशीनें हैं। इन मशीन्स का नाम है उत्तोलक, या अंग्रेजी में हम लीवर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर, या हिंदी में इसको हम उत्तोलक भी कहते हैं। आगे चल के हम इस उत्तोलक के कई प्रकार पढ़ेंगे, जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अभी हम सरल मशीनों के अंतर्गत इसको उत्तोलक पढ़ रहे हैं। उत्तोलक में आपने तीन उदाहरण देखे जो हमारे काम को आसानी से, सरलता से, सुगमता से और कम बल लगाकर पूरा करती हैं। दूसरे प्रकार की मशीन ये पेच, जो कि आप सबको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये पेच है, ये बोल्ट है, और एक और पेच जो हम इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे इस तरह के होते हैं। जब आपको लकड़ी की कोई चीज घर में बनवानी होती है तो आप इस तरह के पेच खरीदते हैं, और पेच को यहाँ रख के इस पेच कस से, तो पेच भी एक तरह की मशीन है, क्योंकि कहते हैं कि जो ये पेच है ना वो ज्यादा मजबूती से उसको, लकड़ी को आपस में
पकड़ता है बजाय उस कील के। अच्छा, और आजकल तो जो घर में भी लगते हैं वो पेच ही लगते हैं ना, हम लोग गुल्ली लगा के पेच से कसवा देते हैं मूर्तियां, पेंटिंग, जितनी भी आप चीजें लगाते हैं वो सब पेच के। पेच होता है, इसके अंदर धारियां बनी होती है जिससे कि उसकी ग्रिप और तेज हो जाती है। और ये पेचकस, पेचकस या स्क्रू ड्राइवर, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रू ड्राइवर, मतलब इसको ड्राइव करना है ना, गोल गोल घुमाना है, इसको हैंडल से पकड़ के स्क्रू में फिक्स करके ये इस तरह से हम लोग गोल गोल घुमाते हैं तो वो चीज घूम जाती है और हमारा। तो दूसरे तरह की मशीन है पेच। और इस पेच से क्या आपने साइकिल, उसके जब कार खराब हो जाती है तो उसके पहिए को ऊपर उठा के टायर बदलते हैं ना उसका, उसमें स्क्रू जैक काम आता है, एक उपकरण होता है, हाँ वो भी पेच से ही है कि उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो दूसरा उदाहरण जो है हमारा स्क्रू या स्क्रू जैक या पेच, ये वाला है। तीसरा उदाहरण जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में वो क्या है, झुका तल। क्या ये किसी को पता चला झुका तल क्या होता है, क्या होता है झुका तल? हाँ, जो वो पटरा लगाते हैं। अब देखिए ये जैसे पटरा लगाया जाता है तो वो इस तरह से लगता है ना, है? और जिस चीज को हमें चढ़ाना होता है, जैसे ये पटरा है, ये गाड़ी है, हैं? इसको यो करके आराम से इसके ऊपर चढ़ाया जा सकता है, धक्का दिया जा सकता है, हाँ उतार भी सकते हैं। अब जैसे उतारना है तो हम आसानी से उतार लेंगे। अच्छा, झुका हुआ तल, ये देखिए है ना, झुका हुआ तल। आपने बच्चों की स्लाइड झूला देखा है ना, है? अगर वो झूला, ये वाला दिख रहा है ना चित्र में, कि झूला झूलते हैं उसको भी वही कहते हैं झुका हुआ तल। उससे कोई चीज नीचे फेंकिए, फट से नीचे चली जाएगी। सीढ़ी से अगर आएंगे तो ज्यादा वो लगता है, झुके हुए तल से आसानी से हो जाता है। और यही झुका हुआ तल हमें ट्रक से सामान उतारने में और चढ़ाने में सहायता करता है। एक और बात बताइए, आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में भी इस तरह के स्लोप देखे हैं, जहाँ मरीज को स्ट्रेचर पे लिटा के और यूं करके धक्का लगा के ऊपर ले जाया जाता है, क्योंकि मरीज को सीढ़ियों से ले जाना मुश्किल काम है और उस स्लोप से ले जाना आसान काम है। तो वो मशीन हो गई ना एक तरह की। और एक छोटा सा और साधारण सा उदाहरण है, सबके जिनके अपने घर होते हैं या हाँ नहीं, जो घर के बाहर जो सीढ़ियां होती है कईयों के, और आजकल हर घर में एक स्लोप बनाया जाता है, ढलान, जिसको आप क्या कहते हैं, ढलान बनाई जाती है। उस ढलान से स्कूटर, साइकिल, गाड़ी, कुछ भी आसानी से घर के अंदर खड़ी की जा सकती है। अगर वो सीढ़ी होगी तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो झुका हुआ तल एक तरह की मशीन है, और कोई सोच भी नहीं सकते आप कि यह भी एक मशीन हो सकती है, कि झुके हुए तल को भी हम एक मशीन कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो है घिरनी। आप यहाँ एक महिला को देख रहे हैं, ये कुआं देख रहे हैं, ये बाल्टी देख रहे हैं, और यहाँ एक पहिया लगा हुआ है, लगा है कि नहीं, पहिया, इसको क्या कहते हैं, घिरनी। इस घिरनी का क्या काम है, घिरनी के अंदर हम किस चीज को डालते हैं, रस्सी को, रस्सी, उसके अंदर एक खांचा बना होता है, खांचा बना होता है, उस खांचे के अंदर रस्सी डाली जाती है और रस्सी से बाल्टी को नीचे, पहले नीचे डालेंगे ना, बाल्टी भरेगी तब ऊपर खींचेंगे। तो जब आप घिरनी के अंदर रस्सी को फिट कर देते हैं और आपका वो नीचे जाने लगती है बाल्टी, तो कितनी स्पीड से, कितनी गति से वो जाती है नीचे, आपने देखा है? और वो पहिया बहुत तेज गति से, खाली बाल्टी, जब खाली बाल्टी होती है तो वो पहिया बहुत तेज गति से घूमता है, घूमता है ना, और वो नीचे चली जाती है। और जब वो बाल्टी आपको भरनी है, भर गई, अब आप उसको जब ऊपर खींचते हैं तो वह थोड़ा मुश्किल से पहिया चलता है, तब उतना तेज पहिया नहीं चलता। लेकिन अगर हम एक बाल्टी उस घिरनी से खींचे और एक बाल्टी ऐसी साधारण तरीके से खींचे कि ऐसे बस गांठ लगाई, डाला और उसको हम खींचने लगे, तो क्या होगा, एक बच्चा बताएगा, यह साधना
हाँ, हाथ लगाने से हाथ दुखेंगे ज्यादा, हाँ, और उसको ऊपर उठाने में भी मुश्किल होगी। और घिरनी हमारे इसी काम को आसान कर देती है, इसलिए हम घिरनी को एक साधारण मशीन कह सकते हैं। एक और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहिया और धुर्री। अच्छा, आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए हैं? गए हैं। रेलवे स्टेशन पर आपने कूली को एक गाड़ी में सामान रखते हुए देखा है? उसके कितने पहिए होते हैं? कूली की गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? वन। एक पहिया ही तो होता है जो आगे लगता है, और उसके पीछे एक खांचा लगा होता है, और उस पहिए के वो आगे बढ़ाता जाता है, पहिए को यो-यो करके और सामान को आगे बढ़ाता जाता है। वो सबसे अच्छा उदाहरण है पहिया और धुरी का। देखिए, जैसे ये है ना, पहिया और धुरी, इसमें से एक टेप निकाल दो। उस देखिए, ये इसकी धुरी है, ये देखो, ये देखिए, ये पहिया है, ये इसकी धुरी है। धुरी होता है कि उसका बेस, जैसे उसकी लकड़ी, लकड़ी के ऊपर अगर हम एक पहिया रख दें और उसको इस तरह से घुमाएं, देखिए ये है ना, पहिए जैसा ही तो है ना, ये टेप है, ये इसकी धुरी है। देखिए, ये इसकी एक्सल है, ये व्हील है ना। अब हम अगर यहाँ ये एक्सल है, ये व्हील है, अब अगर हम इसको यूं घुमाएं, हो गई पहिया और धुरी, हो गई ना। तो इसी तरह से देखो, ये घूमता जाएगा, इसके पीछे गाड़ी लगी है और सामान वो आसानी से खसका लेगा, है ना। जो रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने कूली की जो गाड़ी देखी है, वो इसी पहिए और धुरी का, उसके पहिए में, और जो साइकिल के पहिए, उनमें अंतर है, जो उसका पहिया और उसके पहिया थोड़ा अंतर है ना, उसके लोहे के पहिए होते हैं, टायर ट्यूब नहीं होता है उसके अंदर, और वो इस तरह से रोटेट एक्सल पर, अपने एक्सल मतलब वो डंडी पर, वो रोटेट होता रहता है और आसानी से वो इतना बोझा, अगर वो पहिया ना हो तो उसको सोचिए कि उसको खसकाने में कितना समय लगेगा, कितना बल लगेगा। और ये सब तरह की जितनी भी मैंने ये बताई, ये सब सरल मशीनें हैं। पहली है पेच, अब आपके देखिए इसमें सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, या सरल मशीनों के प्रकार। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा पेंच, झुका तल, चौथा पहिया और धुरी। अब हमको इनके उदाहरण भी लिखने हैं, और यह भी पता करना है कि सरल मशीनें तो जैसे आपने आज समझ लिया, इसके बाद हम लोग उत्तोलक, उत्तोलक एक इस तरह की मशीन है जो कि जो बल लगाया जाता है उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसकी दिशा भी बदल सकती है और काम को बहुत आसानी से पूरा कर सकती है। उत्तोलक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, नहीं, भार, आयास और आलम, ये उत्तोलक के प्रकार नहीं है, ये इनकी पोजीशंस हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये बताइए कि पेच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी, यह मशीनें जब एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं या दो मशीनें मिलकर काम करती हैं तो हम उसको जटिल मशीन कहते हैं। जैसे आपने सोचा
कि सिलाई मशीन है ना, आपने मुझे बताया स्वेइंग मशीन जिससे कपड़ा सिलते हैं, तो क्या वह एक सरल मशीन है? वह जटिल मशीन है। और उस जटिल मशीन में जो जितनी ये सरल मशीनें हैं उन सबको जोड़ा जाता है। देखिए आपको याद है, आपको सबको मालूम है ना स्विंग मशीन क्या होती है? उसमें बड़ा सा पहिया होता है ना, जो पैरों वाली सरल मशीन होती है, जो सिलाई मशीन, वो पैरों से चलती है, मतलब कि वो पहिया पहिया और धुर्री, और जिसमें वो बॉबिन भरी जाती है ना ऊपर, हाँ वो घिरनी जैसी हो गई। अच्छा, उसमें पेच कसे जाते हैं, कई पेच, जो नीडल वाला पेच है, ये पेच है, पेच भी कसे जाते हैं, मतलब ये पेच भी कसे गया। उसमें हम कैंची का इस्तेमाल भी करते हैं, उसमें सुई धागे का इस्तेमाल भी करते हैं, यहाँ तक कि एक नेल कटर, देख रहे हो, यह भी एक मशीन है, नाखून काटती है। अच्छा, इसके अंदर चाकू डला हुआ है, वो चाकू भी एक मशीन है, ये चाकू भी एक मशीन है। सरल मशीनें कई तरह की होती हैं और कई तरह के काम कर सकती हैं। अच्छा, जो जटिल मशीन होती है वो इन्हीं पांच मशीनों से मिलकर बनी होती है, वो कोई एक मशीन नहीं होती है, वो कई तरह की सरल मशीनों को मिलाकर एक जटिल मशीन बनती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गांवों में चलने वाला ट्रैक्टर बहुत काम आता है, वह एक जटिल मशीन है, चारा काटने की मशीन। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि इतनी सारी मशीनें मैंने आपको दिखाई, ये सब अपने आप काम कर रही हैं हमारी पेशी बल से, और हम अपना पेशीय बल लगा रहे हैं, कौन सा बल लगा रहे हैं? इसमें ना तो विद्युत बल लग रहा है ना, ना इसमें पेट्रोल डल रहा है, पेट्रोल के लिए ये है मतलब मोटरसाइकिल, लेकिन अभी हम मोटरसाइकिल का चलना नहीं बता रहे, हम तो आपको केवल ये बता रहे थे कि ये पहिया होता है और ये धुर्री होती है। इतनी मैंने आपको मशीनें दिखाई, ये पेचकस दिखाया, अच्छा ये आपने देखा जिससे हम लोग संसी कहते हैं ना, जिसमें चाय को पकड़, कैचर, इससे कितना भी भारी भगोना होता है, गर्म चाय होती है, हम लोग उसको आराम से ऐसे फंसा के पकड़ लेते, वैसे कपड़े से उठाएंगे तो बहुत भारी भी लगता है, हाथ भी जल सकता है, इसमें हम आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये था, इसमें भी हमारा पेशीय बल ही काम आया, जितनी मशीनें मैंने दिखाई, और ये पेशीय बल ही काम आया। इसके अंदर कोई भी जो बल था वो हमें बाहर से नहीं लगाना पड़ा, मतलब विद्युत या ये सब नहीं करना पड़ा, लेकिन जो जटिल मशीनें होती हैं, जब दो तीन मशीनें मिल जाती हैं, जटिल मशीन बन जाती है, तो जब जटिल मशीन बनती है तब उसमें विद्युत की जरूरत पड़ती है, जैसे वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन में भी पड़ सकती है, कई तरह की मशीनें हैं, फ्रिज भी एक तरह की मशीन है, हाँ पवन चक्की, आटा चक्की, आटा चक्की दो तरह की होती है, एक वो हाथ से चलाने वाली और एक वो, अब आपने किताब में देखिए ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं सरल मशीनें कहलाते हैं। क्या आपने कभी ताले के अंदर, देखिए ये ताला है, हैं? इसके अंदर चाबी से खोला है, ऐसे खोलते हैं ना, जैसे ये ताला है, अब मुझे खोलना होता है तो हमने इसके अंदर ऐसे चाबी लगाई और ये खुल गया, तो क्या चाबी एक मशीन है? हाँ, चाबी भी एक मशीन है, एकदम सरल मशीन है, इसका तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, अपने घर का ताला लगाते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, ये सारी चीजें जो हमने आपको दिखाई आज सरल मशीनें, ये सब हमारे घरेलू कामों को आसान बनाती हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी के नीचे लिखिए, जो मशीन का मेन पर्पस है, उद्देश्य ये होता है, कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में किया जाता है, क्या करता है, कम बल लगाकर लगाकर अधिक कार्य कम समय में आसानी से जो पूरा करता है, उस चीज को हम सरल मशीन
कहते हैं। अच्छा, अब आप होमवर्क अपना घर में जाके कॉपी में जो काम करेंगे कि सरल मशीनों के प्रकार लिखिए और सरल मशीनों के चित्र भी बनाइए। दैनिक जीवन उधर इसका होमवर्क लिख लीजिए आप। दैनिक जीवन में काम आने वाले सरल मशीनों के चित्र बनाकर उसका प्रकार बताइए, देखिए हम आपको इसको समझाते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रश्न हल करना है। सब लोग देखिए ये प्रश्न कैसे हल करना है। दैनिक जीवन में काम आने वाली सरल मशीनों के चित्र बनाकर उसका प्रकार बताइए। प्रकार कौन से हैं? ये पांच हैं। जैसे आपने कैंची का चित्र बनाया तो कैंची के आगे लिखेंगे उत्तोलक, समझे? चित्र कैंची का बनाएंगे और मशीन कौन सी है? उत्तोलक। जैसे आपने घिरनी बनाई, ये कुएं खींचने का ये चित्र बनाया तो उसके आगे लिखेंगे घिरनी। ऐसे ही आप चाकू का बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, पेचकस का बना सकते हैं, जितने भी मैंने बताए हैं स्क्रू जैक जो गाड़ी को ठीक करने में काम आता है वो बना सकते हैं। दैनिक जीवन में सोचिए, आप घर में कई तरह के काम करते हैं, कई तरह के मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, उसको बताइए कि आपने कैसे इस्तेमाल किया और उसका चित्र बनाइए और उसकी प्रकार को भी समझाइए। अब हम शार्पनर जो होता है ना, जिससे पेंसिल छीलते हो, वह भी एक तरह की मशीन है और वो उत्तोलक है। वो उत्तोलक है। उत्तोलक के बारे में हम आपको कल बताएंगे, जिसमें कितने तरह के उत्तोलक होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें आयास, आलंब और ये आयाम, तीन चीजें होती हैं, इन बल लगाया जाता है। इसके हम लोग कल को रीडिंग करके आइएगा इस लेसन को, और ये लेसन हमारा यहाँ पर है आगे।